नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, लास्ट टाइम जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि दुर्गा पूजा के पहले हमें फैसला चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ये गवर्नमेंट घड़ी घड़ी डिले करते जा रहे थे। उस कारण सुप्रीम कोर्ट ज्यादा नाराज नजर आ रहे थे, क्योंकि मिडिल क्लास को, कॉमन मैन को पता ही नहीं कि हमारे लोन की लायबिलिटी कितनी है, हमें मॉरेटोरियम एक्सटेंड करके मिलेगा कि नहीं, हजारों चीजें थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि दुर्गा पूजा के पहले हमें फैसला चाहिए। तो आज गवर्नमेंट की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर सर है, उन्होंने ट्वीट किए हैं, दो लगातार ट्वीट किए हैं, और उन्होंने जानकारी दी है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट माफ होने वाला है। हम आपको बता दें, ये फैसला लेने को हमारे गवर्नमेंट ने लगा दिए है 7 मंथ, 7 महीने का इंतजार करना पड़ा है कॉमन मैन को, मिडिल क्लास को, कि हमें क्या कंसेशन मिलने वाला है। इतना सारा टाइम गवर्नमेंट ने लगा दिया है, फिर भी आइए जानते हैं कि गवर्नमेंट ने इसमें हमें क्या क्या जानकारी दी है। तो सबसे पहले प्रकाश जावड़ेकर सर ने यहां पे बोला है कि मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने अनदर बिग डिसीजन लिया है, बहुत बड़ा फैसला लिया है फॉर मिडिल क्लास। यहां पे गवर्नमेंट स्पेसिफिक है, ये फैसला है ये मिडिल क्लास के लिए है, मतलब बड़े बड़े कंपनीज के लिए ये फैसला नहीं है। तो ये भी एक जानकारी दी है। उन्होंने ऐसा बोला है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो है ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और जिन्होंने ईएमआई रेगुलरली भरा है उनके अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। ये अभी कैसे होने वाला है? मान लो कि मॉरेटोरियम पीरियड चल रहा था, आपने मॉरेटोरियम नहीं लिया है, आपने ईएमआई टाइम पे भरे हुए हैं, तो ये केस में आपको बट ऑब्वियस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं लगने वाला था। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मतलब क्या कि आपने मॉरेटोरियम लिया है, मॉरेटोरियम खत्म होने के बाद आपको इंटरेस्ट भरना है, और वो इंटरेस्ट आपने नहीं भरा तो उस पर इंटरेस्ट लगने वाला था। लेकिन ये केस में आपने अगर ईएमआई रेगुलरली भरे हुए हैं तो गवर्नमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में आपके कुछ अमाउंट ऐड करने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपको इसमें कंसेशन देना चाहती है। गवर्नमेंट ऐसे कैलकुलेट करेगी कि जैसे आपने ईएमआई टाइम पे भरे नहीं है और आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगा हुआ है, और वो रकम कितनी है उतना कंसेशन आपको मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्पेसिफिक बोला ये एक स्पेशल फीचर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये स्कीम उन्होंने मिडिल क्लास के लिए ही लाई है, स्पेसिफिक है वो मिडिल क्लास, मतलब यहाँ पे जहां पे अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कंसेशन देना चाहती है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का, जिनके लोन 2 करोड़ रुपए तक के है, तो 2 करोड़ रुपए तक के लोन वालों के लिए ये कंसेशन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ऐसी हम अटकलें लगा सकते हैं। जहां तक अगर आपने ईएमआई रेगुलरली नहीं भरा तो बट ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो है वो भरना नहीं पड़ने वाला है। मतलब यहाँ पे दो अलग अलग ट्वीट है। पहला ट्वीट है कि आपने ईएमआई टाइम पे भरे हुए हैं तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं लगने वाला था, फिर भी गवर्नमेंट आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपने नहीं भरते थे तो कितना इंटरेस्ट आता था, वही अमाउंट का आपको कंसेशन मिलेगा। अगर आपने ईएमआई टाइम पे नहीं भरे है तो आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अगर बैंक ने लगा दिया रहेगा अकाउंट पे, तो वह इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट निकाला जाएगा और आपका लोन अकाउंट जो है वो फ्री किया जाएगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से। तो ये जानकारी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट जो है उनको इस कारण खर्चा आने वाला है 6000 करोड़ से लेकर 7000 करोड़ रुपए तक का खर्चा आने वाला है, क्योंकि ये पैसे जो है इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के, ये गवर्नमेंट जो है ये खुद बैंकों को देने वाले हैं, तो इसलिए बैंक जो है वो अभी इसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। रही बात बड़े बोरोअर्स की, अगर बड़े बोरोअर्स को भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व करते थे इसमें, उनको भी इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का कंसेशन देते थे, तो गवर्नमेंट को खर्चा आ सकता था 10000 करोड़ से लेकर 15000 करोड़ रुपए तक का। इसलिए गवर्नमेंट इसमें अभी भी डिसीजन नहीं लिए हुए है। अगर गवर्नमेंट 7 महीने बाद डिसीजन ले रहे हैं और वो भी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का ही ले रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली पब्लिक जो है वो नाराज नजर आ रही है। रही बात अगर गवर्नमेंट पूरा का पूरा इंटरेस्ट माफ करते थे, मान लो कि आपका सिर्फ प्रिंसिपल ही चार्ज करते थे, ब्याज आपके कर्जे पे नहीं लगाते थे, तो ये केस में गवर्नमेंट को खर्चा आ सकता था 6 लाख करोड़ रुपए का। इसलिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट कंपोनेंट में जाना नहीं चाहते, गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट माफ करना चाहते हैं, ताकि आपको कुछ राहत मिले दिवाली के समय। गवर्नमेंट इस तरीके से अनाउंस कर रहे हैं जैसे कि दशहरे का हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक का यहाँ पे कहना है कि 7 महीने आपने लगा दिए हैं, 7 महीने तक हमें ही कुछ मालूम नहीं था, अभी भी हमें ऐसा लग रहा है, कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि मॉरेटोरियम खत्म हो गया और तुरंत उन्होंने कामकाज चालू कर दिया। अभी लोगों को मॉरेटोरियम खत्म होने के बाद तुरंत काम करके पैसे कमा के ईएमआई कैसे भर पाएंगे लोग, ये भी गवर्नमेंट ने सोचने वाली बात थी। गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान नहीं दिया, लोगों को तुरंत काम करने को बोला गया और काम करके फटाफट पैसे भरो, बैंकों की ईएमआई भरो,
ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। लोग चाहते थे कि मोरेटोरियम और एक्सटेंड किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट जो है ये बहुत स्लो डिसीजन लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।